फ्रेंड्स, आईपीएल में आज दो मैच खेले जाने हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीएल के दिन वाले मैच की, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल, जहां पे बिग अपडेट निकल के आ रही है कि संजू सैमसन और जॉस बटलर के खेलने में अभी यहां पे जो है सस्पेंस बना हुआ है। तो ड्रीम इलेवन की टीम चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बताने वाले हैं कौन से ड्रीम इलेवन और जो अपडेट निकल के आ रही है। तो अगर जॉस बटलर और संजू सैमसन नहीं होंगे राजस्थान रॉयल में तो कैप्टनसी कौन करेगा। तो फ्रेंड्स, आईपीएल की बाकी मैचों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अभी ट्विटर हैंडल से राजस्थान रॉयल के ट्वीट किया गया है कि राजस्थान रॉयल में जो जॉस बटलर है, ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, वो खेलने में आज जो है खेलने में थोड़ा बहुत यहाँ पे असमंजस है। थोड़ी देर बाद अपडेट निकल के आ जाएगी, दूसरी वीडियो में बता देंगे। और संजू सैमसंग भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि आज के मैच में खेलेंगे, तो इनके गैर मौजूदगी में राजस्थान रॉयल की कैप्टनसी कौन करेगा, ये अभी तक सस्पेंस है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो होगी बिग अपडेट। अब बात करते हैं, अगर आप ड्रीम इलेवन खेलते हो तो टीम ढूंढ रहे, तो सबसे पहले आपको जो है चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलोर का रिकॉर्ड पता होना चाहिए। तो चलो मैं एक बता देता हूँ आपको, यहाँ पे अभी तक T20 16 खेले गए हैं, जहाँ पे टॉस जीतकर पहले जिसने बैटिंग की वो 6 बार जीता है, और टॉस जीतकर बॉलिंग जिसने की है वो 9 बार जीता, और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 135 है। और फ्रेंड्स, ओडीआई की बात करें तो अभी ओडीआई यहाँ पे 37 मैच खेले जा चुके हैं, जबकि टॉस जीतकर बैटिंग करके 14 बार टीम जीती है, जबकि टॉस जीतकर जिसने पहले बॉलिंग की है वो 19 बार जीती है। टॉस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, और हाईएस्ट 233 ओडीआई में है और T20 में 135। तो फ्रेंड्स, ये आप ड्रीम इलेवन के टीम अगर चाहते हो तो मेरे सुबह मैंने वीडियो अपलोड किया, आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की जरूर ऑन कीजिए आईपीएल के बाकी मैचों के लिए। 1 लाख सब्सक्राइबर हमें कंप्लीट करने हैं जल्द।